इग्नू ने लगभग 128 प्रोग्राम में निःशुल्क एडमिशन प्रारंभ किया है, यानी कि उन प्रोग्राम्स में आपको एडमिशन लेने के लिए किसी भी तरह की फ़ीस का भुगतान नहीं करना है। और ये जो व्यवस्था है वो किन लोगों के लिए है, ये व्यवस्था है जो हमारे एससी एसटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसके तहत जुलाई 2019 सेशन में 128 प्रोग्राम्स में निःशुल्क प्रवेश आपको मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आपको ऑनलाइन प्रोसेस का झंझट नहीं है, आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है। फिर कैसे करना है, तो इसके लिए देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अपने रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर जहाँ आप अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं वहाँ कॉन्टेक्ट करना है, और इसमें ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। जैसे पहले फॉर्म भरे जाते थे इग्नू की साइट से, आप प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करके वहां से फॉर्म निकाल लीजिए और अपना जो कास्ट का सर्टिफिकेट है उसके साथ एक अंडरटेकिंग देते हुए आप निःशुल्क प्रवेश ले सकते हैं इग्नू के 128 प्रोग्राम्स में। तो ये नोटिफिकेशन है जो निःशुल्क प्रवेश के संबंध में आया है एससी एसटी के विद्यार्थियों के लिए, तो आप इसको देख लीजिएगा। मैं इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दूंगा, वहां से आप डिटेल्स देख सकते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इग्नू की वेबसाइट पे उपलब्ध है, पब्लिक पोर्टल पे है, ये मैं आपको अपने से नहीं बता रहा हूं। और ये जो लिस्ट है प्रोग्राम्स की, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं इसमें। देखिए BCA है, BA, BCOM, BSc, BSW है, और जो ये BTS प्रोग्राम है ये फिलहाल फ्रेश एडमिशन के लिए नहीं है, ये री रजिस्ट्रेशन के लिए है। जो लोग पहले एडमिशन ले चुके हैं और री रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं उनके लिए भी निःशुल्क है, फ्रेश एडमिशन में नहीं है। इसके अलावा ये PG डिप्लोमाज हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिप्लोमा हैं इसमें। लाइब्रेरी के ऊपर जो एक डिप्लोमा होता है PG DLAN, यानी कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन और नेटवर्किंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट, तो ये बहुत सारे प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं। जैसे PGMC जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में डिप्लोमा करना चाहते हैं तो PGGMC इग्नू का बहुत ही प्रसिद्ध डिप्लोमा है, इसको आप कर सकते हैं। इसी तरह एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के ऊपर आप कोई डिप्लोमा लेना चाहते हैं तो एक प्रोग्राम होता है PGDET, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप अगर एजुकेशनल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप PGDEMA एक प्रोग्राम होता है वो आप, तो एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक डिप्लोमा होता है PGDEMA, इसको बोलते हैं, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह हायर एजुकेशन, आपको अगर उच्चतर शिक्षा की तरफ जाना है तो उसके लिए PGDHE डिप्लोमा होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी तरह से क्रिमिनल जस्टिस का डिप्लोमा है, या एडल्ट एजुकेशन प्रौढ़ शिक्षा के ऊपर आप ले सकते हैं डिप्लोमा, या फिर वुमेन्स एंड जेंडर स्टडीज़ पे आप डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इनको करके आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो प्रमोशन वगैरह के लिए ये आपके लिए मददगार होंगे। तो ये लिस्ट है, इसमें बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, PGDFSQM, ये एक बहुत ही अच्छा डिप्लोमा है और काफ़ी कास्टली है लेकिन आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध है, ये बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह से अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर इग्नू डिप्लोमा उपलब्ध कराता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा उपलब्ध कराता है, बाकी कहीं भी ये प्रोग्राम नहीं है लेकिन इग्नू में उपलब्ध है, इसको आप कर सकते हैं। या फिर आप अगर सोशल वर्क में जाना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सोशल वर्क काउंसलिंग है, या फिर एक प्रोग्राम बच्चों के ऊपर होता है, बच्चों के केयर के ऊपर होता है, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसमें आप कर सकते हैं। डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर, आप न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर से संबंधित सेवाओं में, यानी हॉस्पिटल्स में आपका इंटरेस्ट है अगर, तो आप ये भी कोर्स कर सकते हैं। टूरिज्म स्टडीज़ पे अगर आपकी रुचि है तो DTS एक डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इन टूरिज्म स्टडीज, पर्यटन के ऊपर ये डिप्लोमा होता है, आप इसको भी कर सकते हैं। या फिर आपकी रुचि इंग्लिश में है तो क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, यह एक डिप्लोमा है, DC इसको बोलते हैं, इसको आप कर सकते हैं। इसी तरह से उर्दू में अगर आपकी रुचि है तो डिप्लोमा इन उर्दू होता है, यानी बहुत सारे यहाँ पे प्रोग्राम मौजूद हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उसमें जॉब पाने के लिए एक प्रोग्राम होता है DEFE, यानी कि डिप्लोमा इन HIV एंड फैमिली एजुकेशन, यह प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है। महिला सशक्तिकरण के ऊपर डिप्लोमा इन वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट है, इसको आप कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंस में रुचि रखते हैं तो डिप्लोमा इन BPO फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, यह भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आपकी अगर लॉ में रुचि है, कानून के आप जानकार बनना चाहते हैं तो डिप्लोमा इन पैरा लीगल प्रैक्टिस, ये भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अगर आपकी रुचि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में है
तो आपके पास कई इसमें डिप्लोमा हैं, एक उसमें है डिप्लोमा इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो DVPFV इसको बोलते हैं, ये भी अच्छा प्रोग्राम है। इसी तरह से मीट टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी पे भी डिप्लोमा उपलब्ध हैं, इग्नू कराता है DMT और DDT। वैसे तो ये बहुत कॉस्टली हैं, लेकिन चूँकि SC ST के अभ्यर्थियों के लिए सरकार ने निःशुल्क कराने का निर्णय लिया है, तो आप इसमें इस अवसर का लाभ लीजिए। यह आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और आप इन में से जो भी आपकी रुचि के हिसाब से आप सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आज के समय में कोई भी जॉब आती है तो उसमें कंप्यूटर का नॉलेज अपेक्षित रहता है, तो ऐसी स्थिति में अगर आपने कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट नहीं कर रखा है तो आप इग्नू का CIT प्रोग्राम कर सकते हैं, और ये निःशुल्क कराया जा रहा है विश्वविद्यालय के द्वारा SC ST के जो अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए। इसी तरह से ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक सर्टिफिकेट होता है, CHR उसको बोलते हैं, सर्टिफिकेट इन ह्यूमन राइट्स, यह भी कानून के ऊपर एक अच्छा प्रोग्राम है। COF यानी कि सर्टिफिकेट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, अगर आपकी रुचि एग्रीकल्चर में है या रूरल डेवलपमेंट में है तो सर्टिफिकेट इन रूरल डेवलपमेंट CRD प्रोग्राम होता है, ये कर सकते हैं आप। या फिर CNCC सर्टिफिकेट इन न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर, बच्चों की देखभाल के ऊपर एक यह प्रोग्राम है। इसी तरह से फूड और न्यूट्रिशन के ऊपर CFN का एक सर्टिफिकेट होता है 6 महीने के, ये सर्टिफिकेट सभी 6 महीने के होते हैं, और जो डिप्लोमा प्रोग्राम होते हैं वो 1 वर्ष की अवधि के होते हैं। तो ये देखिए, आज की वीडियो के माध्यम से मेरा जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि इग्नू में वर्तमान समय में जुलाई 2019 सेशन के लिए ऑनलाइन एडमिशन चल रहे हैं, SC ST के अभ्यर्थियों के लिए ऑफलाइन मोड में फॉर्म भरे जा रहे हैं, और 128 ऐसे प्रोग्राम हैं जिनमें निःशुल्क प्रवेश विश्वविद्यालय दे रहा है आपको, बिना किसी शुल्क के इग्नू में प्रवेश मिलेगा। केवल आपको एग्ज़ाम के समय एग्जामिनेशन फीस सबमिट करनी होगी, आप निःशुल्क प्रवेश पाएँ और अपने करियर को आगे बढ़ाएँ। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो का जो मेरा मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि मैं आपको ये सूचना दूँ, ये आपको बताऊँ कि विश्वविद्यालय SC ST के कैंडिडेट्स के लिए 128 प्रोग्राम्स में निःशुल्क प्रवेश उपलब्ध करा रहा है, और ऑफलाइन मोड में उपलब्ध करा रहा। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने रीजनल सेंटर पे जा करके या आपके आसपास अगर कोई इग्नू का अध्ययन केंद्र हो वहाँ पे जा करके, जैसे पहले ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते थे, 2 पेज का एडमिशन फॉर्म होता है उसको भरिए, उसके साथ आपको अपना जो भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, सपोज़ मान लीजिए आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, BA में BA का आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो BA के लिए आपके पास 12th कंप्लीट होना चाहिए, तो आपको 12th की मार्कशीट लगाना पड़ेगा। आप जिस कैटेगरी या SC से होंगे या ST से होंगे तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाना होगा, और एक अंडरटेकिंग देनी होती है, उसमें आपको ऑलरेडी आपका अध्ययन केंद्र उपलब्ध कराएगा जिसमें लिखा होता है कि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसमें ऑफलाइन एडमिशन हो रहे हैं और आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसका लाभ उठाइए। तो फ्रेंड्स आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इग्नू से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हैं, वो तत्काल मिल जाया करे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, और हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताने की कोशिश की कि इग्नू में ऑनलाइन फ्रेश एडमिशन्स चल रहे हैं, ऑफलाइन में SC ST कैंडिडेट्स के लिए लगभग 128 प्रोग्राम्स में निःशुल्क प्रवेश दिया जा रहा है, री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो चल रही थी ऑनलाइन उसकी डेट बढ़ा दी गई है, और अब 30 जून तक फॉर्म आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। एग्जामिनेशंस चल रहे हैं जून सेशन के, और ये 29 जून तक चलेंगे। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल्स एक्टिविटी हैं BCA MCA या दूसरे अन्य प्रोग्राम जिसमें प्रैक्टिकल इंक्लूड हैं, उसके लिए आपको अपने रीजनल सेंटर के टच में रहना चाहिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।